तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये टेंट। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा टेंट है, करीब करीब 1 फीट इसकी लंबाई है और इसका डायमीटर करीब 6 इंच चौड़ा होगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसका नाम है रिवर कंट्री ट्रेकिंग पोल टेंट, है ना। रिवर कंट्री प्रोडक्ट है ये, रिवर कंट्री कंपनी का, और ट्रेकिंग पोल टेंट है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसका वेट करीब 1 किलो होगा और चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटिंग विद आशीष में। और उम्मीद है, ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सभी सकुशल होंगे और पिछले महीने जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई का अनुभव करने के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। और चलती का नाम जिंदगी है, इसलिए हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। मैंने अपनी ग्राउंड शीट को बिछा लिया है और लोकेशन भी बहुत शानदार है, तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इस तरीके के एक बैग में आता है दोस्तों ये, और बैग की लंबाई टेंट से काफी ज्यादा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो बहुत अच्छा बैग है और जब हम इसको खोलते हैं तो इस तरीके का टेंट हमारे सामने आता है जो रिबन से बंधा हुआ है ना। अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज का है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आपके बैग में बहुत आसानी से आ जाएगा। इसको खोलते हैं हम और इस टेंट को लगाने के लिए जो दो चीजें हमें चाहिए वो दो चीजें हैं। एक ये ट्रेकिंग पोल इस तरीके का, अगर आपके पास ट्रेकिंग पोल नहीं है तो आप लकड़ी का भी सहारा ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे अगर हम अपने टेंट को लगा रहे हैं तो पेड़ की डाल से भी हम इसे बांध सकते हैं। हम आगे अभी देखेंगे इसको कि हम इसे किस तरीके से बांधते हैं। ये ट्रेकिंग पोल हो गया, है ना। ये टेंट है दोस्तों, ये इसका नीचे का जो बेस है वो है, और इसको हम डायरेक्ट खोल ही लेते हैं। एक्चुअली ये जो ग्राउंड शीट है ये इस टेंट की लंबाई की है, 8 फीट का है, और किसी भी टेंट को लगाने से पहले अगर हम ग्राउंड शीट को लगा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इसका बेस काफ़ी मजबूत दिया जाता है, फिर भी घास मिट्टी वगैरह लगने से बचाने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। और जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर हमें इस तरीके का एक पाउच मिलता है, और इस पाउच में हमें इस तरीके से लाल कलर की एल्यूमिनियम की स्टिक्स मिलती हैं, और ये संख्या में करीब 9 आती है ना। और ये पुरानी हो चुकी है, इसमें से एक टूट भी गई है क्योंकि मैंने इसे सूखी जमीन में ठोकने की कोशिश किया था। और ये टेंट कोई नया नहीं है, ये अनबॉक्सिंग नहीं है, ये पहले भी आपने मेरे एक वीडियो में देखा है और मैं इसे बीच बीच में यूज़ करते रहता हूँ। इस तरीके की स्टिक्स चाहिए हमें, और इसकी स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाकायदा दोनों तरफ बहुत अच्छी स्टिचिंग है। और चलिए इसको खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों ऊपर से, है ना। इसकी लंबाई जो है 8 फीट है और चौड़ाई जो है वो करीब 3 फीट है ना। तो ये हमने इसे चौकोर इसके पूरे जो उसका फुल साइज है उस हिसाब से हमने इसे खोल दिया है, और इसके ये चारों तरफ हम स्टेक्स लगाएंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने चारों कोनों को लगा दिया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके सारे जो रोप हैं वो इसी में अटैच दिए गए हैं, तो आपको अलग से रोप को बांधने की जरूरत नहीं है, है ना। जो टाई है इसी के साथ दी गई है। इसके अंदर दोस्तों चैन के बाहर साइड में इस तरीके से एक लूप दिया गया है, मैं भी आपको क्लोजअप करके दिखा दूंगा। बस इस टेंट को हम इसे स्टिक को हमें लेना है
और जो लेंथ हमें चाहिए उस लेंथ में हमें इसे ऐसे खड़ा कर देना है। और इसके साथ ही ये दोस्तों हमारे टेंट ने अपना शेप ले लिया है। दोस्तों हमारे टेंट ने अपना शेप ले लिया है। ये फ्रंट फेस है ना। मैं एक बार आपको सराउंडिंग पूरा दिखा देता हूँ। हमने अपनी टाई को यहाँ पर बांध दिया है ना। और ये जो पार्ट दिया गया है ये वेंटिलेशन के लिए है दोस्तों। और साथ ही साथ नीचे भी एक और पार्ट दिया गया है। ये वाला जो चैन दिख रही है आपको और ये टोंगल दिख रहे हैं, तो जब हम इसको खोलते हैं इस तरीके से, और जब हम इसको यहाँ से खोल देंगे तो ये भी यहाँ से वेंटिलेशन का काम करेगा। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे होल्ड करके अटैच कर सकते हैं, और सेम उसी प्रकार इस तरफ भी कर सकते हैं। और यहाँ भी रूफ दी गई है, इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर खींच कर टाई कर सकते हैं। सूरज लगभग लगभग डूबने वाला है, और ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम एक बार टेंट को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर का नज़ारा भी देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया वाल्क्रो दिया गया है, और वाल्क्रो के अंदर ये चैन दी गई है। और जब हम इस चैन को ऐसे खोलेंगे तो हमारा टेंट वन साइड से ओपन हो जाएगा, और इसको हम फोल्ड करके यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से लगा सकते हैं। और हम चाहें तो इस पार्ट को भी खोल सकते हैं। मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये जो लूप दिया गया है दोस्तों, इसी लूप में हम अपनी रस्सी को ऊपर जो लूप दिया गया है उसमें बांध सकते हैं, और इसी रस्सी को हम ऊपर पेड़ में भी बांध सकते हैं जिससे ये स्टेबल रहेगा, और इसमें भी हम लगा सकते हैं। तो हम इसमें लगाकर इसे लूज कर लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों हमने इसे टाई कर लिया, और टेंट के इस पार्ट को भी इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे बांध सकते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा टेंट, और इसके अंदर पूरा ये डबल चेन दी गई है। इसके अंदर भी हम एक बार देख लेते हैं कितना स्पेस है ना। बहुत बढ़िया चैन दी गई है, हैश टेंट ये दोस्तों। और हम चाहें तो इसे भी फोल्ड करके लगा सकते हैं। ये है दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं। अभी मैंने इसको बाहर की तरफ टाई नहीं किया है दोस्तों। जब मैं इसे टाई कर लूंगा तो ये बहुत बढ़िया स्पेस बन जाएगा, और मेरे पैर नीचे लगे हुए हैं, और उसके बाद भी आप ऊपर स्पेस देख सकते हैं, है ना। और ये वेंटिलेशन का जो मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ, और ये ऊपर का वेंटिलेशन, तो 1 पर्सन के लिए काफी इनफ जगह है। यहाँ पे मेरा लगेज वगैरह भी आ जाएगा पूरा, मैं अपना गद्दा बिस्तर लगा के बहुत आराम से इसमें रेस्ट कर सकता हूँ। और हाइट का भी कोई इशू नहीं है, हाइट भी काफी है। तो ये दोस्तों रिवर कंट्री 1 पर्सन ट्रेकिंग पोल टेंट है ना। और बारिश के समय में हम इसी ग्राउंड शीट को
इधर ऊपर की तरफ बिछाकर अपना पोर्च बना सकते हैं, है ना। और वाटरप्रूफ टेंट है ये, बहुत बढ़िया है ये दोस्तों, एक बार आप और देख सकते हैं इसे, है ना। टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, पर अगली बार जब हम इस टेंट के साथ कैंपिंग करेंगे तो इसकी और भी खूबियाँ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे वापस पैक करते हैं और देख लीजिए, सूरज बहुत प्यारे तरीके से डूब रहा है। आ हा, है ना। मेरा सराउंडिंग भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं डैम के किनारे में हूँ और गर्मी का समय है, यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। अभी गर्मी में ये डैम पूरा सूख चुका है और इस वॉल के उस पार बड़ा एरिया है जो पानी का एरिया है, और सोलो कैंपिंग में हम पानी के एरिया से जितना दूर रहे उतना अच्छा है ना। तो मैं इस तरीके से डैम के किनारे में लास्ट छोर में बैठा हुआ हूँ और ये मेरा टेंट का सेटअप है जो पानी के किनारे में लगा हुआ है। तो सोलो पर्सन के लिए बहुत बढ़िया टेंट है दोस्तों, चलिए इसे पैक करते हैं। इस तरीके से मैंने इसे होल्ड कर लिया है, ये हो गया। अब इसे बहुत आराम से हवा निकालते हुए धीरे धीरे हम लपेटेंगे। सूरज पूरी तरीके से डूब चुका है। क्या है, थोड़ा घर से दूर रहते हैं अनजानी जगह में तो अंधेरा होने के पहले ही अपने स्थान को छोड़ देना चाहिए। ग्राउंड शीट वही है दोस्तों जो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। स्मॉल टार्प, वाटरप्रूफ टार्प है, बहुत बढ़िया है, बहुत छोटी सी जगह लेता है ना, लाइट वेट है। तो ये अगर हम टेंट का इस्तेमाल ना करके सिर्फ इसको भी लेकर चलें अपने साथ तो हमारा कैंपिंग शेल्टर भी बन सकता है ना बारिश पानी में। इसको देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें इसका दो चार सेटअप बनाकर आपको दिखाया है। नाइट कैंपिंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और बढ़िया है, पक्षी चिल्ला रहे हैं, सुकून है। है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका प्यार मेरे उत्साह को और बढ़ाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।